दिनांक 8/1/2019। खरगोन। केंद्र सरकार की जनवरी विरोधी नीतियों के खिलाफ करोड़ों श्रमिक उतरे सड़कों पर, जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर किया प्रदर्शन। खरगोन में मंगलवार को केंद्र सरकार की जनवरी विरोधी नीतियों के खिलाफ 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और स्वतंत्र फेडरेशन के आह्वान पर देश के करोड़ों श्रमिक 2 दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं। बैंक बीएसएनएल मार एसोसिएशन के अलावा किसान भी सड़कों पर उतरे और केंद्र सरकार की जनवरी विरोधी नीतियों का विरोध प्रदर्शन करने के लिए रैली का आयोजन किया। रैली में मजदूर एकता जिंदाबाद का नारा लगाते हुए एसोसिएशन के सदस्यों ने रैली के माध्यम से केंद्र सरकार को संदेश दिया है कि सरकार की नीति गलत है, जिसमें सुधार लाना जरूरी है। महंगाई चरम पर पहुंच रही है, श्रमिकों को मेहनत का सही प्रतिफल नहीं मिल रहा है, जिसके लिए श्रमिक कानून बनाकर व्यवस्था में सुधार लाना जरूरी है। रैली के साथ सभा का आयोजन भी किया गया, जिसमें इंश्योरेंस यूनियन के सचिव ने बताया कि सरकार की नीतियों से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जिसके लिए सरकार ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। मीडिया से चर्चा कर एसोसिएशन ने ये भी बताया कि रैली के माध्यम से हमने सरकार को संदेश दिया है, अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो हमें मजबूरन उग्र आंदोलन के लिए उतारू होना पड़ेगा। खरगोन जिला ब्यूरो चीफ प्रमोद गुप्ता की रिपोर्ट। रैली प्रदर्शन किया आपने? ये आज 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन और स्वतंत्र फेडरेशन के द्वारा केंद्र सरकार की जन विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ 2 दिन की ऐतिहासिक महाहड़ताल होने जा रही है, जिसके तहत हमने खरगोन शहर में बैंक, बीमा, बीएसएनएल, पोस्टल, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और एमआर एसोसिएशन, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथी भी सहयोग कर रहे हैं, किसान भी इसमें शामिल है। और ये आज देश भर में करोड़ों मजदूर आज इस हड़ताल पर गए हैं और सरकार से मांग करते हैं कि ये बढ़ती हुई महंगाई पर रोक लगाए। आज बेरोजगारी 20 साल में सबसे अपने चरम पर है, बेरोजगारों के पास काम नहीं, उनको काम दिया जाए, नई पेंशन योजना के नाम पर धोखा किया जा रहा है, उसको वापस ली जाए और पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए। न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये, जो कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के हिसाब से है, उसको कम से कम 18,000 रुपये प्रतिमाह न्यूनतम वेतन हर कर्मचारी, हर मजदूर को, श्रमिक को दिया जाए, उनको सभी को सामाजिक सुरक्षा दी जाए, जो कि अभी किसी को उपलब्ध नहीं है। तो हम ये सरकार से मांग करते हैं कि ये अपनी विरोधी, जन विरोधी नीतियां बदले और देश हित में काम ले। अच्छा, अगर आपकी समस्या का निराकरण नहीं होता है तो आगामी क्या रूपरेखा होगी? मजदूर के पास संघर्ष के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ये हम उदारीकरण, निजीकरण के खिलाफ 16 के बाद यह 17वीं हड़ताल है हमारी, जो कि हम ज्वाइंट फंड के तहत लड़ रहे हैं। तो आज जब हम ये इतने बड़े पैमाने पे लड़ रहे हैं, आगे भी हमारी लड़ाई रुकेगी नहीं। हम कोई भी पिछली यूपीए सरकार के टाइम पे भी हमने विरोध किया था, इस एनडीए सरकार के टाइम पे विरोध कर रहे हैं। हम हर सरकार के साथ ये विरोध करेंगे कि जनता के हित में अपनी नीतियां बनाए, ताकि देश का आम जन अपनी पीड़ा से उभर सके। क्या ज्ञापन वगैरह भी दिया? ज्ञापन चूंकि हमारा सेंट्रल लेवल पे सरकार को दिया जा चुका है, इसलिए हमने यहाँ पर रैली निकाल के और जनता के बीच में अपनी मांग को पहुँचा है। क्या नाम लिखते हैं आप? किशोर ठाकुर, इंश्योरेंस एम्प्लॉइज यूनियन।